वेलकम बैक अगेन 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 61। आज का टॉपिक है जिंगल मार्केटिंग। भी क्या होता है ना कि कुछ धुन होती है या फिर कुछ साउंड होता है या फिर कुछ रिदम होती है, कुछ रीमिंग राइमिंग वर्ड होता है जो आपके दिलो दिमाग में छा जाता है, उसके आज एग्जांपल्स होने वाला हूँ। चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जिंगल मार्केटिंग एक ऐसी धुन होती है या फिर ऐसा एक साउंड होता है या फिर ऐसा एक गाना होता है जो एक कस्टमर्स को हमेशा और ईयर एंड ईयर से वो याद रहता है और वो रिकॉल कर पाता है। जैसे वो कहाँ पे साउंड बज जाता है तो उसको वो ब्रांड का नेम फटाक से याद हो जाता है। तो ये जिंगल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा सब ब्रांड के लिए, सब ब्रांड नहीं कर सकते इसको यूज़, लेकिन जो भी आज इसके पास अच्छा बजट है, अच्छा पेमेंट, अच्छा मार्केटिंग बजट होता है, अच्छा स्पेंड करना चाहते हैं तो वो जिंगल क्रिएट कर सकते हैं। तो जिंगल के मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, वो आपको देखना है। सो सबसे पहला एग्जाम्पल्स है एयरटेल का जो आप नो, तो मैं जैसे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको एक दो जिंगल। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिंक भी दिया है आपको, ये बहुत फेमस ऐड है ये। बहुत फेमस जिंगल है ये एयरटेल का। नेक्स्ट जाते हैं, एक निर्मा डिटर्जेंट का वॉशिंग पाउडर निर्मा एंड उजाला, आया नया उजाला, ये बहुत फेमस ऐड है इनकी, आपने देखी भी होगी शायद। तो ये एक रिदम और एक जो साउंड है उनका वो बहुत लोगों को याद है, आज भी याद है। ये बहुत पुराना ऐड है, बहुत पुराना, 10 साल पुराना ये ऐड है। ये भी बहुत फेमस जिंगल है और लोगों को पसंद है। देन MDH मसाले का भी ऐड आपने देखा होगा, वो भी बहुत फेमस है क्योंकि MDH मसाले सच सच MDH। तो ये भी बहुत लोगों को याद है, ये मसाले का ऐड बहुत फेमस ऐड है। देन विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, ये भी बहुत जिंगल बहुत अच्छा है इनका। तो ये बहुत बहुत फेमस ऐड है, ये जिंगल का क्रिएट करके बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने और बहुत लोगों को याद रह रहा है आज के दिन में भी। ये भी एक फेमस ऐड है। ऐसे बहुत सारे ऐड है गाइज जो अपने, क्या आप क्लोजअप करते हैं, वो भी एक बहुत फेमस है। अमूल दूध पीता है इंडिया, वो भी एक बहुत फेमस है। कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए, वोडाफोन यू एंड आई इन द ब्यूटीफुल नाइट, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ सब स्प्राइट क्लियर है। तो क्या हो रहा है ना कि आज आपको बहुत बड़े ब्रांड आज क्रिएट कर रहे हुक, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे, ऐसा जिंगल क्रिएट करने की कोशिश करी, वो लोग गुनगुनाए, जैसे वो कहाँ पे जाते हो तो गुनगुनाए और कुछ उस रिलेटेड साउंड भी आ जाता है आपको, तो आप वो ब्रांड आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसको बोला जाता है जिंगल। तो डेफिनेटली जिंगल मार्केटिंग का आप भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे धुन पकड़िए, ऐसा कुछ यूनिक कुछ धुन बनाइए या फिर ऐसा कुछ राइम बनाइए सो दैट लोगों को वो पसंद आए और लोग उसको वो जैसे कहाँ पे प्ले होता है तो वो आपका ब्रांड याद करें। होप आपको समझ में आऊंगा जिंगल मार्केटिंग सारे ब्रांड कैसे यूज कर रहे हैं। आपको कौन सी जिंगल पसंद आई मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 कौन सी आपको जिंगल पसंद आई आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और आप कौन सी जिंगल क्रिएट कर सकते हो उस पे बारे में भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और आपको कौन सी जिंगल, आपने एडवर्टाइजमेंट बहुत देखी होंगी तो आपको कौन सी अच्छी लगी है जिंगल, तो मुझे आप लिंक कमेंट में बताओ सो दैट वो भी मैं शेयर करूँ उस लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग शेयरिंग एंड लविंग अवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।